1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मारुआना को अनुसूची एक दवा के रूप में रखा गया था, जो संभवतः सबसे सख्त पदनाम था, जिसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से अवैध था और इसका कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा उपयोग नहीं था। दशकों तक ये दृष्टिकोण कायम रहा और दवा के तंत्र और प्रभावों पर शोध में बाधा उत्पन्न हुई। आज मारुआना के चिकित्सीय लाभों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और कुछ देशों ने चिकित्सा उपयोग को वैध कर दिया है या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मारुआना के चिकित्सीय मूल्य की बढ़ती मान्यता इस सवाल का जवाब नहीं देती है कि क्या मनोरंजक मारुआना का उपयोग आपके मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। मारुआना शरीर के कैनबिनॉइड सिस्टम पर कार्य करता है, जिसके पूरे मस्तिष्क और शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं। शरीर के मूल अणु, जिन्हें एंडोकैनबिनॉइड्स कहा जाता है, इन रिसेप्टर्स पर भी कार्य करते हैं। हम कैनबिनॉइड प्रणाली को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता इसके कार्य के लिए एक बड़ा सुराग प्रदान करती है। अधिकांश न्यूरोट्रांसमीटर एक संदेश भेजने के लिए एक सिनेप से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक यात्रा करते हैं, लेकिन एंडोकैनबिनॉइड्स विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। जब कोई संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, तो प्राप्तकर्ता न्यूरॉन एंडोकैनबिनॉइड्स छोड़ता है। वे भेजने वाले न्यूरॉन को प्रभावित करने के लिए पीछे की ओर यात्रा कर अनिवार्य रूप से इसे प्राप्त करने वाले न्यूरॉन से प्रतिक्रिया देते हैं। इससे वैज्ञानिकों को यह विश्वास हो गया है कि एंडोकैनबिनॉइड प्रणाली मुख्य रूप से अन्य प्रकार के संकेतों को संशोधित करने, कुछ को बढ़ाने और दूसरों को कम करने का काम करती है। एंडोकैनबिनॉइड से फीडबैक तंत्रिका सिग्नलिंग की दर को धीमा कर देता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह व्यवहार या धारणा को धीमा कर देता है। उदाहरण के लिए, गंध को रोकने वाले सिग्नल को धीमा करने से वास्तव में गंध अधिक तीव्र हो सकती है। मारुआना में दो मुख्य सक्रिय यौगिक होते हैं, टेट्राहाइड्रोकैनबिनॉइल या THC और कैनबिडियोल या CBD। THC को व्यवहार, अनुभूति और धारणा पर मारुआना के मनोसक्रिय प्रभावों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है, जबकि CBD गैर मनोसक्रिय प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। एंडोकैनबिनॉइड्स की तरह THC कैनबिनॉइड रिसेप्टर्स से जुड़कर सिग्नलिंग को धीमा कर देता है, लेकिन ये एक ही बार में इस विशाल फैली हुई प्रणाली के सभी रिसेप्टर्स को बांध देता है, जबकि एंडोकैनबिनॉइड्स एक विशिष्ट उत्तेजना के जवाब में एक विशिष्ट स्थान पर रिलीज किए जाते हैं। ये व्यापक गतिविधि इस तथ्य के साथ जुड़ी हुई है कि कैनबिनॉइड प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रणालियों को प्रभावित करती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की विशेष मस्तिष्क रसायन विज्ञान, अनुवांशिकी और जीवन अनुभव काफी हद तक यह तय करता है कि वे दवा का अनुभव कैसे करते हैं। ये अन्य दवाओं की तुलना में मारुआना के साथ कहीं अधिक सच है, जो एक या कुछ विशिष्ट मार्गों से अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। इसलिए हानिकारक प्रभाव, यदि कोई हो, व्यक्ति दर व्यक्ति में काफी भिन्न होता है। जबकि हमें ठीक से नहीं पता कि मारुआना विशिष्ट हानिकारक प्रभाव कैसे पैदा करता है, ऐसे स्पष्ट जोखिम कारक हैं जो लोगों में उनके अनुभव की संभावना को बढ़ा सकते हैं। सबसे स्पष्ट जोखिम कारक उम्र है। 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की तुलना में कैनबिनॉइड रिसेप्टर सफेद पदार्थ में अधिक केंद्रित होते हैं। सफेद पदार्थ संचार, सीखने, स्मृति और भावनाओं में शामिल है। बार बार मारुआना का उपयोग सफेद पदार्थ पथ के विकास को बाधित कर सकता है और नए कनेक्शन बनाने की दिमागी क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। इससे दीर्घकालिक सीखने की क्षमता और समस्या समाधान को हानि हो सकती है। अभी ये साफ नहीं है कि क्षति कितनी गंभीर हो सकती है या क्या ये ठीक हो सकती है, और यहां तक कि युवा लोगों में भी कम उम्र के साथ जोखिम ज्यादा होता जाता है। जैसे 22 साल की तुलना में 15 साल के बच्चे के लिए जोखिम बहुत अधिक होता है। मारुआना मति भ्रम या पागल भ्रम भी पैदा कर सकता है। मारुआना प्रेरित मनोविकृति के रूप में जाना जाता है। ये लक्षण आमतौर पर उपयोग छोड़ने के साथ कम हो जाते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में मनोविकृति कम नहीं होती है, बल्कि लगातार बने रहने वाले मानसिक विकार को उजागर कर देती है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मनोवैज्ञानिक विकारों का पारिवारिक इतिहास इसके लिए सबसे स्पष्ट, हालांकि एकमात्र जोखिम कारक नहीं है। मारुआना प्रेरित मनोविकृति भी युवा वयस्कों में अधिक आम है। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि मनोवैज्ञानिक विकार आमतौर पर इस आयु सीमा में सामने आते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या मनोवैज्ञानिक विकार मारुआना के उपयोग के बिना प्रकट हुआ होगा।
क्या मैरुआना का उपयोग इसे जल्दी ट्रिगर करता है? एक महत्वपूर्ण बिंदु के लिए उत्प्रेरक है जिसे अन्यथा पार नहीं हो पाता है। या क्या मैरुआना की प्रतिक्रिया केवल एक अंतर्निहित विकार का संकेत है? पूरी संभावना है कि मैरुआना की भूमिका हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। किसी भी उम्र में कई अन्य दवाओं की तरह बार बार उपयोग के बाद मस्तिष्क और शरीर मैरुआना के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि समान प्रभाव प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। सौभाग्य से कई अन्य दवाओं के विपरीत मैरुआना से घातक ओवरडोज का कोई खतरा नहीं है, और यदि उपयोग बंद हो जाता है तो भारी उपयोग से दुर्बल या जीवन घातक वापसी के लक्षण भी नहीं होते हैं। हालांकि मैरुआना वापसी के और भी सूक्ष्म रूप हैं, जिनमें नींद की गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन और उदास मनोदशा शामिल है, जो उपयोग बंद करने के कुछ हफ्तों के भीतर गायब हो जाते हैं। क्या यह आपके दिमाग के लिए हानिकारक है? ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जबकि कुछ जोखिम कारकों को पहचानना आसान है, दूसरों को अच्छी तरह से नहीं समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि नकारात्मक प्रभावों का अनुभव करने की अभी भी कुछ संभावना है, भले ही आपके कोई भी ज्ञात जोखिम कारक न हो। अधिक आकर्षक इतिहास, बाहरी अंतरिक्ष रोमांच, मन झुकाव दर्शन और आपके शरीर के बारे में सबसे यादृच्छित प्रश्नों के उत्तर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।